All of you, myself Asit Kumar Patnaik. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. So, if you have not subscribed my channel, please subscribe me so that you can get notification for my upcoming videos. Today, I will discuss traveling allowance on retirement. Already four parts already I have discussed. So it is the fifth part and it is related to the traveling allowance on retirement. Retirement के time में traveling allowance का benefit कैसे मिलता है आज हम discuss करेंगे. First one, बहुत important है TA on retirement, it is supplementary rule 147. इसके ऊपर question आता है, question is coming related to this one. So it is supplementary rule 147. TA on retirement के ऊपर डिस्कस किया गया है. एलिजिबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल है. ऑल रेगुलर एम्प्लॉयज ऑन देयर रिटायरमेंट, टेम्पररी एम्प्लॉयज हु हैव पुट इन नॉट लेस देन 10 ईयर्स ऑफ टोटल सर्विस. टेम्पररी एम्प्लॉयज के लिए उनको टोटल 10 ईयर्स सर्विस कंप्लीट करना है. लेस देन 10 ईयर्स है तो जब उनका रिटायरमेंट होगा कि वो इनवैलिडेट हो जाएंगे, कि उनको रिट्रेंच कर दिया जाएगा क्योंकि उनका पोस्ट को अबोलिश कर दिया गया, उस केस में उनको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा क्योंकि उनका जो सर्विस कैरियर है वो लेस देन 10 ईयर्स है. तो टेम्पररी एम्प्लॉयज हु हैव पुट इन नॉट लेस देन 10 ईयर्स ऑफ टोटल सर्विस, हु रिटायर ऑन सुपर एनुएशन और अन इनवैलिडेटेड और रिट्रेंच्ड फ्रॉम सर्विस विदाउट बींग ऑफर्ड अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, ये सभी केस में एम्प्लॉय को ट्रैवल अलाउंस का बेनिफिट मिलेगा. नॉट एलिजिबल, कौन कौन एलिजिबल नहीं है. दो जो रिजाइन फ्रॉम सर्विस, दो जो रिमूव्ड फ्रॉम द सर्विस, दो जो डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस, दो जो कंपल्सरीली रिटायर्ड एज ए मेजर ऑफ पनिशमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरीली रिटायर्ड एज ए मेजर ऑफ पनिशमेंट, हु आर टेम्पररी एम्प्लॉयज विथ लेस देन 10 ईयर्स ऑफ सर्विस, रिटायरिंग ऑन सुपर एनुएशन और इनवैलिडेशन और रिट्रेंचमेंट, ये सभी केस में एलिजिबल नहीं है. ये सभी केस में, इन ऑल दीज केसेस एम्प्लॉई इज नॉट एंटाइटल और एलिजिबल फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस बेनिफिट्स. बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है. नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे, एंटाइटलमेंट क्या है. रिटायर्ड एम्प्लॉई को क्या क्या बेनिफिट मिलता है रिलेटेड टू द ट्रैवलिंग अलाउंस. जब एक एम्प्लॉई रिटायर्ड हो जाता है उसको किस तरीके का बेनिफिट मिलता है ट्रैवलिंग अलाउंस रिलेटेड में, अभी हम डिस्कस करेंगे. उसको चार प्रकार का बेनिफिट मिलता है. रिटायर्ड एम्प्लॉई गेटिंग फोर टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स रिलेटेड टू द ट्रैवलिंग अलाउंस. वन इज द ट्रैवल एंटाइटलमेंट्स फॉर सेल्फ एंड फैमिली. द रिटायर्ड एम्प्लॉई हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड फैमिली मेंबर्स आर एंटाइटल्ड फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस. कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट CTG, रीइंबर्समेंट ऑफ चार्जेस ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स. जो भी उनका सामान है उनका होम टाउन को जाएगा और कोई सेटल्ड प्लेस को जाएगा उसके लिए भी रीइंबर्समेंट होगा. रीइंबर्समेंट ऑफ चार्जेस ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कन्वेयंस, मोटर कार है, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ये जो कन्वेयंस है उसका ट्रांसपोर्ट के लिए भी रीइंबर्समेंट मिलेगा. तो ये चार प्रकार का बेनिफिट मिलता है जब एक एम्प्लॉय रिटायर्ड होता है, चार प्रकार का बेनिफिट मिलता है. जनरली ऑल्सो इट इज रिलेटेड टू द ट्रांसफर. जब हमारा ट्रांसफर होता है, वेन द एम्प्लॉयज आर गेटिंग ट्रांसफर ऑल्सो इन सिमिलर वे दे आर गेटिंग ट्रांसफर बेनिफिट्स. मेरा प्रीवियस वीडियो में, मेरा पार्ट फोर ट्रैवलिंग अलाउंस पार्ट फोर जो मेरा प्ले लिस्ट में पड़ा है उसको देख लीजिए, वही समान प्रकार का बेनिफिट मिलता है जब एक एम्प्लॉय रिटायर्ड होता है. चलो एक एक कर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, ट्रैवल एंटाइटलमेंट्स फॉर सेल्फ एंड फैमिली. यहां पर एक टेबल बनाया गया है. फर्स्ट वन, ट्रैवल एंटाइटलमेंट्स फॉर सेल्फ एंड फैमिली. कंडीशंस
for settling down at the last station of duty or within short distance, less than 20 kilometers. यदि employee उसका last station of duty जहाँ पर उसका last headquarter है वहाँ पर वो settle कर लेता है, जहाँ जो headquarter उसका है वो suppose municipal corporation में आता है कि वो कोई cantonment में आता है, cantonment area में आता है, कोई पंचायत लेवल में आता है, क्लियर, तो उसी एरिया में वो सेटल हो जाता है और विद इन शॉर्ट डिस्टेंस लेस देन 20 किलोमीटर्स, डिस्टेंस लेस देन 20 किलोमीटर्स हो जाता है, तो उस केस में सेल्फ एंड फैमिली के लिए कैसे मिलता है बेनिफिट, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कन्वेयंस बट नॉट एक्सीडिंग द रोड माइलेज एडमिसिबल अंडर SR 116। इसके बाद में धीरे धीरे इसको डिस्कस करूँगा, जो भी कन्वेयंस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कन्वेयंस है मिलेगा मगर रोड माइलेज से ज़्यादा नहीं होगा, इसको याद रखना है। इफ द रिटायर्ड एम्प्लॉई इज सेटल्ड इन द लास्ट स्टेशन ऑफ ड्यूटी, लास्ट स्टेशन ऑफ ड्यूटी बेसिकली इट इज द लास्ट हेडक्वार्टर, इट मस्ट बी लाइज विद इन द कैंटनमेंट एरिया, विद इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, विद इन द सबर्बन एरिया, विद इन द पंचायत लेवल, लाइक दिस, ओके, और डिस्टेंस लेस देन 20 किलोमीटर्स। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कंडीशन, फॉर सेटलिंग डाउन एट होम टाउन और एनी अदर स्टेशन, यदि रिटायर्ड एम्प्लॉई उसका होम टाउन में सेटल होता है और एनी अदर स्टेशन में सेटल होता है जिसका डिस्टेंस मोर देन 20 किलोमीटर्स होता है, उस केस में जैसे ट्रांसफर टाइम में हमारा जो ट्रैवल एंटाइटलमेंट्स है हमारा बेसिक पे के हिसाब से, जैसे रेल, एयर, रोड, स्टीमर, जो हमारा ट्रैवल एंटाइटलमेंट्स है उसी तरह उनको ट्रैवल एंटाइटलमेंट मिलेगा, ट्रैवल एंटाइटलमेंट्स फॉर जर्नी कंडक्टेड बाय रेल और एयर और रोड और स्टीमर आज इन केस ऑफ ट्रांसफर और टूर, क्लियर। सो इसमें दो चीज ध्यान देना है, एक है वही लास्ट स्टेशन में रिटायर्ड एम्प्लॉई सेटल्ड होगा और जिसका डिस्टेंस लेस देन 20 किलोमीटर होगा तो उसको सेल्फ एंड फैमिली, द रिटायर्ड एम्प्लॉई हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड हिज और हर फैमिली मेंबर्स, ओके, दे आर गेटिंग ट्रैवलिंग अलाउंस एंड इट इज इक्विवेलेंट टू द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कन्वेयंस बट नॉट एक्सीडिंग द रोड माइलेज। और एक है इफ द रिटायर्ड एम्प्लॉई सेटलिंग डाउन एट होम टाउन और एनी अदर स्टेशन एंड इट इज मोर देन 20 किलोमीटर देन सेल्फ एंड फैमिली मेंबर्स गेटिंग ट्रैवल एंटाइटलमेंट्स फॉर जर्नी कंडक्टेड बाई रेल, एयर, रोड, स्टीमर आज इन केस ऑफ ट्रांसफर और टूर, जैसे ट्रांसफर टूर में मिलता है वैसे ही ट्रैवल एंटाइटलमेंट्स मिलेगा, तो थोड़ा हम डिस्कस करेंगे उसको, ये सब डिस्कस कर चुका हूँ मेरा प्रीवियस पार्ट में। जर्नी बाय एयर और रेल पे लेवल के हिसाब से, पे लेवल इन मैट्रिसेस इट इज़ 14 एंड अबोव, बेसिक पे को हम लेते हैं यहाँ पर, तो पे लेवल 14 एंड अबोव, बिजनेस क्लास इन एयर और क्लब क्लास बाय एयर और एससी फर्स्ट क्लास बाय ट्रेन, SC1 by train, it is 14 and above. Pay level 12 and 13, economy class by air, or train mein, first class SC by train. Then pay level 6 to 11, economy class by air, or SC second class by train. And 5 and below, first class, or SC third class, or SC chair car by train. इसी तरह जर्नी बाय एयर और रेल इट इज स्प्लिट ऑफ इन टू फोर लेवल्स अकॉर्डिंग टू द पे लेवल इन मैट्रिसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना लेवल में डिवाइड हुआ है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, वो फोर लेवल्स में डिवाइड हुआ है जर्नी बाय एयर और रेल, ओके, द रिटायर्ड एम्प्लॉई एंड फैमिली मेंबर्स इन दिस वे अकॉर्डिंग टू द पे लेवल, ओके, अकॉर्डिंग टू द पे लेवल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, इट मीन्स द रिटायर्ड एम्प्लॉई एंड फैमिली मेंबर्स getting travel entitlements. Next one, travel entitlement for journey in premium or premium tatkal or subidha or satabdi or rajdhani or duronto trains. This is bahut important hai, premium tatkal, subidha, satabdi, rajdhani or duronto trains. Isme jo pay level 3 ways mein divide hua hai, 12 and above pay level, executive or SC first class इन प्रीमियम और प्रीमियम तत्काल और सुविधा और शताब्दी और राजधानी ट्रेन आज पर अवेलेबल हाईएस्ट क्लास, इसमें हाईएस्ट क्लास मिलता है एग्जीक्यूटिव और एससी फर्स्ट क्लास,
12 एंड अबव, पे लेवल 6 टू 11 एससी सेकंड क्लास और चेयर कार इन शताब्दी ट्रेन्स, चेयर कार इन शताब्दी ट्रेन्स और एससी सेकंड क्लास और ट्रेन्स में जैसे टोरंटो राजधानी शताब्दी, ओके 5 एंड बिलो एससी थर्ड क्लास और चेयर कार। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। तो ये जो पे लेवल है उसको थ्री वेज में डिवाइड किया गया, इट्स स्प्लिट अप इनटू थ्री पार्ट्स, 12 एंड अबव पे लेवल, 6 टू 11 एंड 5 एंड बिलो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जर्नी बाय रोड, रोड माइलेज को देखेंगे, माइलेज अलाउंस। यदि हम रोड में जर्नी करते हैं, सपोज रिटायर्ड एम्प्लॉय एंड फैमिली मेंबर्स इफ दे जर्नी बाय रोड, तो पे लेवल 14 और अबव। यहाँ पर मेंशन किया है एंटाइटलमेंट्स 1st July 2017, यू नो दैट 1st July 2017 जो 7th पे कमीशन है, हमारा जो ट्रैवलिंग अलाउंस गवर्नमेंट ने अलाउ किया 7th पे कमीशन में फ्रॉम 1st July 2017, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, इसको भी ध्यान देना है। जैसे January 1, 2016 में लागू हुआ 7th पे कमीशन, बट फ्रॉम 1st July 2017 से हमारा ट्रैवलिंग अलाउंस को गवर्नमेंट अलाउ किया। तो यहाँ पर पे लेवल 14 और अबव माइलेज अलाउंस के ऊपर जाएंगे, रोड माइलेज अलाउंस 14 और अबव, एक्चुअल फेयर बाय एनी टाइप ऑफ पब्लिक बस इंक्लूडिंग एयर कंडीशन बस और आट प्रेस्क्राइब्ड रेट्स ऑफ एससी टैक्सी व्हेन द जर्नी इज एक्चुअली परफॉर्म बाय एससी टैक्सी और आट प्रेस्क्राइब्ड रेट्स फॉर ऑटो रिक्शा फॉर जर्नीज बाय ऑटो रिक्शा ओन कार स्कूटर मोटरसाइकिल मोपेड एटसेट्रा। ये 14 और अबव एयर कंडीशन एसी बस में जा सकते हैं, एसी टैक्सी में जा सकते हैं, ऑटो रिक्शा में जा सकते हैं और ओन कार स्कूटर मोटरसाइकिल में भी जा सकते हैं। और ये जो ओन कार स्कूटर मोटरसाइकिल मोपेड ये जो है, जो हमारा ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, तो वो जो रेट फिक्स करता है उसी रेट में हमको मिलेगा। क्लियर। 6 to 13 पे लेवल 6 to 13 जो भी बीट आई में है, 14 और अबव में सभी है, मगर यहाँ पर एससी टैक्सी का फैसिलिटी नहीं है, एससी टैक्सी नॉर्मल टैक्सी फैसिलिटी, एससी टैक्सी फैसिलिटी नहीं, अदर फैसिलिटीज है। हम हमारा ओन कार स्कूटर मोटरसाइकिल मोपेड में जा सकते हैं, नॉर्मल टैक्सी में जा सकते हैं बट एससी टैक्सी में नहीं, और एयर कंडीशन बस में जा सकते हैं। ये 6 to 13। देन पे लेवल 4 and 5 एक्चुअल फेयर बाय एनी टाइप ऑफ पब्लिक बस अदर देन एयर कंडीशनड बस। जो पे लेवल 4 and 5 है एयर कंडीशनड बस के अलावा और कोई भी बस में बजा सकते हैं और एट प्रेस्क्राइब रेट्स फॉर ऑटो रिक्शा फॉर जर्नीज बाय ऑटो रिक्शा और ओन कार स्कूटर और मोटरसाइकिल मोपेड एटसेट्रा। ठीक है, ये 4 and 5। नेक्स्ट पे लेवल 3 and below एक्चुअल फेयर बाय ऑर्डिनरी बस ओनली। यहाँ पर ऑर्डिनरी बस जो 4 and 5 में था उनको एयर कंडीशनड बस अलाउ नहीं था और एयर कंडीशनड बस के अलावा और कोई बस में जा सकते हैं। ठीक है, और टैक्सी फैसिलिटी नहीं था पे लेवल 4 and 5 में, एयर कंडीशनड बस फैसिलिटी नहीं है, टैक्सी फैसिलिटी नहीं था 4 and 5 में, और सब फैसिलिटी था। 3 and below इट इज ऑर्डिनरी बस ओनली। ओके, ऑर्डिनरी बस ओनली और एट प्रेस्क्राइब रेट्स ऑटो रिक्शा फॉर जर्नी बाय ऑटो रिक्शा ओन मोटरसाइकिल और स्कूटर और मोपेड एटसेट्रा। तो ये रोड माइलेज, ओके अलाउंस इस तरीके से रिटायर्ड एम्प्लॉय एंड फैमिली मेंबर्स ले सकते हैं। ओके क्लियर। जर्नी बाय सी और स्टीमर, जर्नी बाय सी और स्टीमर यहाँ पर जनरल है और ट्रैवल बिटवीन मेनलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड लक्षद्वीप, जो राइट साइड कॉलम है देख लीजिए। पे लेवल इन पे मैट्रिक्स 9 and above, जो पे लेवल है 9 and above जनरल में हाईएस्ट क्लास मिलेगा, और जनरल में हाईएस्ट क्लास मिलेगा, और जो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड लक्षद्वीप में डिलक्स क्लास मिलेगा 9 and above। 6 to 8 जनरल में यदि 2 क्लासेस है तब लोअर क्लास मिलेगा, और अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड लक्षद्वीप को ट्रैवल करने के लिए 1st और 1 cabin क्लास मिलेगा। क्लियर। देन 4 एंड 5 जनरल केस में
इफ देयर बी टू क्लासेस ओनली ऑन द स्टीमर, यदि स्टीमर में टू क्लासेस है देन लोअर क्लास मिलेगा, यदि थ्री क्लासेस है मिडिल क्लास मिलेगा और सेकेंड क्लास मिलेगा, फोर क्लासेस है थर्ड क्लास मिलेगा, फोर एंड फाइव पे लेवल। एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड लक्षद्वीप को ट्रैवल करने के लिए सेकेंड और बी कैबिन क्लास। सिमिलरली पे लेवल थ्री एंड बिलो जनरल केस में सबसे जो लोएस्ट क्लास है मिलेगा, और अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड लक्षद्वीप आइसलैंड को ट्रैवल करने के लिए बॉन्ग क्लास मिलेगा। तो ये ऐसे चार प्रकार से पे लेवल को डिवाइड किया गया है, और इस तरीके से रिटायर्ड एम्प्लॉय एंड फैमिली मेंबर्स एंटाइटल है यदि वो ट्रैवल करना चाहते हैं स्टीमर में। ओके, इसको भी थोड़ा ध्यान देना है। क्लियर? नेक्स्ट वन, ए मेंबर ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट्स फैमिली हु फॉलोज हिम विद इन सिक्स मंथ्स और प्रेसिड्स हिम बाय नॉट मोर देन वन मंथ मे देयरफॉर बी ट्रीटेड एज अकंपनिंग हिम। यहां पर एक याद रखना है, जब तक रिटायर्ड एम्प्लॉय वो ट्रैवल नहीं किया है, मूवमेंट नहीं किया है, तब तक उनका फैमिली मेंबर्स वो ट्रैवलिंग अलाउंस क्लेम नहीं कर सकते। तो इसमें जो है वो कैसे मूव करेंगे, जैसे रिटायर्ड एम्प्लॉय मूव करेगा, एक ऑप्शन है, जब रिटायर्ड एम्प्लॉय मूव करेगा उसका एक महीने पहले के अंदर, जस्ट बिफोर द मूवमेंट ऑफ द रिटायर्ड एम्प्लॉय, विद इन वन मंथ द फैमिली कैन ट्रैवल, और आफ्टर सिक्स मंथ्स, इट मीन्स बेसिकली विद इन सिक्स मंथ्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ द रिटायर्ड एम्प्लॉय। सो दो कंडीशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है रिटायर्ड एम्प्लॉय मूव कर रहा है तो उसके बाद विद इन सिक्स मंथ्स उनका फैमिली ट्रैवल कर सकते हैं, और रिटायर्ड एम्प्लॉय मूव कर रहा है उसके पहले विद इन वन मंथ उसका फैमिली ट्रैवल कर पाएगा। ये जो लिमिट है आफ्टर विद इन सिक्स मंथ्स और बिफोर विद इन वन मंथ, क्लियर? और ये जो टाइम हम काउंट करते हैं ना, जब रिटायर्ड एम्प्लॉय मूव करता है, जिस डेट में वो मूव करेगा उसका होम टाउन को कि एनी अदर सेटल्ड प्लेस को, जब वो मूव करेगा उसी से काउंट होगा। आफ्टर क्या होगा ना विद इन सिक्स मंथ्स, और बिफोर क्या होगा ना विद इन वन मंथ उसका फैमिली ट्रैवल कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीरियड ऑफ वन मंथ और सिक्स मंथ्स एज द केस मे बी काउंटेड फ्रॉम द डेट द रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट हिमसेल्फ एक्चुअली मूव्स। द क्लेम्स ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस इन रेस्पेक्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स विल नॉट बी पेबल अंटिल द हेड ऑफ द फैमिली हिमसेल्फ और हरसेल्फ एक्चुअली मूव्स। तो वही चीज है, जब तक रिटायर्ड एम्प्लॉई मूव नहीं किया है तब तक फैमिली मेंबर्स उनका ट्रैवलिंग अलायंस के उनका जो ट्रैवलिंग है वो उनका ट्रैवलिंग के लिए वो टीए क्लेम नहीं कर सकते, जब तक जो रिटायर्ड एम्प्लॉई है वो मूव नहीं किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब रिटायर्ड एम्प्लॉई मूव करेगा उसी डेट्स आप काउंट कर लो, आफ्टर दैट, आफ्टर द मूवमेंट ऑफ द रिटायर्ड एम्प्लॉई विद इन सिक्स मंथ्स द फैमिली मेंबर्स कैन ट्रैवल, और सिमिलरली विद इन वन मंथ बिफोर द मूवमेंट ऑफ द रिटायर्ड एम्प्लॉय फैमिली मेंबर्स कैन ट्रैवल। तो आफ्टर विद इन सिक्स मंथ्स और बिफोर विद इन वन मंथ, और जो रिटायर्ड एम्प्लॉय है उसका मूवमेंट करने के बाद ही फैमिली में वो मूवमेंट करेगा, वो होम टाउन और उसका जो सेटल्ड प्लेस है वो रीच कर जाएगा, तब फैमिली मेंबर्स का जो टीए है वो क्लेम रिटायर्ड एम्प्लॉय कर पाएगा। नेक्स्ट है, द टाइम लिमिट्स ऑफ वन मंथ एंड सिक्स मंथ्स मेंशनड अबव मे बी एक्सटेंडेड। ये एक्सटेंड हो सकता है, जो वन मंथ और सिक्स मंथ का बात बोला, कंपेटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री प्रिस्क्राइब्ड इन SR 116BII इन इंडिविजुअल केसेस अटेंडेंट विद स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो ये वन मंथ सिक्स मंथ का जो बैरियर है वो एक्सटेंड हो सकता है, मगर जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको अलाउ करेगा। रिटायरिंग एम्प्लॉय मे अवेल रिटायरमेंट टीए रिटायरमेंट ट्रैवलिंग अलाउंस विद इन वन ईयर फ्रॉम हिज डेट ऑफ रिटायरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब एक रिटायर्ड एम्प्लॉय रिटायर कर रहा है, जिस डेट में रिटायर कर रहा है विद इन वन ईयर वो उसका ट्रैवल अलाउंस को क्लेम करेगा। ओके, इट मीन्स
द रिटायर्ड एम्प्लॉई कैन क्लेम टीए विद इन वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द रिटायरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिस डेट में रिटायर कर रहा है उससे आप जस्ट काउंट कर लो, विद इन वन ईयर वो उसका टीए क्लेम करेगा, उसके बाद वो ऑलरेडी फॉरफिट हो जाएगा। तो चार प्रकार का जो बेनिफिट है, जो सेल्फ एंड फैमिली जो ट्रैवल कर रहे हैं, कि कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट है, कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट, की रीइंबर्समेंट ऑफ कन्वेयंस, तो ये सब जब रिटायर्ड एम्प्लॉई उसको ध्यान देना है, जब वो जिस डेट में रिटायर होता है देन आफ्टर दैट विद इन वन ईयर वो टीए क्लेम करेगा। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउएवर वंस द जर्नी इज कंप्लीटेड, जब जर्नी कंप्लीट हो जाएगा सेपरेटली बाय द ऑफिसर एंड द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, तो सपोज सेपरेटली वो जॉइंटली नहीं जा रहे हैं, जैसे रिटायर्ड एम्प्लॉई जा रहे हैं और फैमिली मेंबर्स अलग जा रहे हैं, मगर द रिटायरमेंट जो क्लेम होगा मस्ट बी सबमिटेड विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इच जर्नी। जब जर्नी कंप्लीट होता है, ओके, जब जर्नी कंप्लीट होगा विद इन 60 डेज, उसी से काउंट कर लो, जर्नी कंप्लीट हो गया उसी से 60 डेज काउंट कर लो, विद इन 60 डेज टीए क्लेम करना है, नहीं तो वो फॉरफिट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब रिटायर्ड एम्प्लॉई जाकर होम टाउन में रीच कर गया और उसका फैमिली मेंबर्स अलग से जाकर सपोज होम टाउन में रीच किया, तो सेपरेटली जब वो जाते हैं तब वो क्या होगा, या जब वो रीच करेंगे उसका 60 डेज के अंदर वो टीए क्लेम करेंगे, नहीं तो वो फॉरफिट हो जाएगा। अलग अलग जा सकते हैं, मगर मेरा जो कहने का बात है, जब वो सेपरेटली जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि रीच एंड एवरी टाइम जॉइंटली द रिटायर्ड एम्प्लॉय एंड फैमिली मेंबर्स दे गो टू द होम टाउन और एनी सेटल्ड प्लेस, दे कैन गो सेपरेटली, दे कैन ट्रैवल सेपरेटली, बट वो जब रीच कर जाएंगे उनका डेस्टिनेशन में उसी से काउंट होगा, विद इन 60 डेज वो टीए क्लेम करेंगे, नहीं तो वो फॉरफिट हो जाएगा। क्लियर, इफ द क्लेम इज नॉट सबमिटेड विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट दैट इज टू से 60 डेज द क्लेम मे बी फॉरफिटेड और डीम्ड टू हैव बीन रिलिंक्विश्ड। तो जो टीए क्लेम होगा विद इन वन ईयर टाइम दिया जाएगा, मगर ये जो है 60 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब वो रीच कर जाएंगे डेस्टिनेशन में फैमिली मेंबर्स एंड रिटायर्ड एम्प्लॉई, जब रीच कर जाएंगे उसी से काउंट होगा 60 डेज, विद इन 60 डेज वो टीए क्लेम करेंगे, जब वो रीच कर जाएंगे डेस्टिनेशन में तब वो विद इन हाउ मेनी डेज दे कैन क्लेम टीए, विद इन 60 डेज। कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट सीटीजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ट्रांसफर के टाइम में मैं बोल चुका हूं, सेटल डाउन एट प्लेसेस अदर देन लास्ट स्टेशन ऑफ देयर ड्यूटी लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ मोर देन 20 किलोमीटर। जो रिटायर्ड एम्प्लॉई उसका होम टाउन को जा रहा है कि एनी अदर प्लेस में वो सेटल होना चाहता है, मगर लास्ट हेडक्वार्टर से डिस्टेंस मोर देन 20 किलोमीटर है, तो उसको जो कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट मिलेगा 80% ऑफ बेसिक पे, ये ट्रांसफर टाइम में भी वही था। सेकेंड वन, सेटल डाउन एट द लास्ट स्टेशन ऑफ ड्यूटी और विद इन ए डिस्टेंस ऑफ लेस देन 20 किलोमीटर बट देयर इज चेंज ऑफ रेसिडेंट, सेकेंड वन बहुत इंपॉर्टेंट वन। यदि रिटायर्ड एम्प्लॉई उसका होम टाउन की सेटल्ड प्लेस लेस देन 20 किलोमीटर है इन कंपैरिजन टू द लास्ट स्टेशन और लास्ट हेडक्वार्टर, तो जब डिस्टेंस लेस देन 20 किलोमीटर होगा मगर रेसिडेंस चेंज होगा, लेस देन 20 किलोमीटर होगा कंपल्सरी रेसिडेंस चेंज होगा, रेसिडेंस चेंज नहीं होगा तब सिटीजी नहीं मिलेगा, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट नहीं मिलेगा, वो ट्रांसफर टाइम में भी बोला था। तो कंपल्सरली रेसिडेंस चेंज होगा और जो सेटल्ड प्लेस होगा रिटायर्ड एम्प्लॉय का वो लेस देन 20 किलोमीटर से, तो वहां पर जो सिटीजी मिलेगा 1/3 ऑफ 80% ऑफ बेसिक पे, 80% ऑफ बेसिक पे जो है, बेसिक पे जो पे मैट्रिक्स लेवल में है, इसमें कोई अदर अलाउंस ऐड नहीं होगा, चाहे वो डियरनेस अलाउंस, चाहे मिलिट्री सर्विस पे MSP और नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस, कोई अलाउंस ऐड नहीं होगा, ओनली पे मैट्रिक्स लेवल को लेना है। तो यहां पर जब रिटायर्ड एम्प्लॉय सेटल्ड होगा मोर देन 20 किलोमीटर तो 80% ऑफ बेसिक पे, सेकंड में जब वो सेटल्ड होगा लेस देन 20 किलोमीटर्स फ्रॉम द लास्ट हेडक्वार्टर बट द कंपल्सरीली द रेसिडेंस मस्ट बी चेंज्ड, देन 1/3 ऑफ 80% ऑफ बेसिक पे। थर्ड वन रिलेटेड टू द अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइसलैंड सेटलमेंट टू एंड फ्रॉम द आइसलैंड टेरिटोरीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, चाहे वो तो उसका होम टाउन और सेटल्ड प्लेस अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स में है कि लक्षद्वीप में है और वो वहां से आ रहा है, उनका लास्ट स्टेशन
अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स में है और लक्षद्वीप में है, वहां से वो रिटायर होने के बाद वो आ रहे हैं, उसी केस में 100% ऑफ बेसिक पे मिलेगा। तो ये सेकंड है, सेकंड बेनिफिट, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। ये भी ट्रांसफर जो है मेरा ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस का जो पार्ट 4 है, आप देख लीजिए मेरा प्लेलिस्ट में पड़ा है, वही है, सेम है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स, ये भी ट्रांसफर टाइम में ये भी बेनिफिट मिलता है। जो पर्सनल इफेक्ट्स है, हमारा जो सामान है हम लेकर जाएंगे, तो रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए कैसे 12 एंड अबव जो पे लेवल है, 6000 केजीज बाई गुड्स ट्रेन, गुड्स ट्रेन में वो 6000 केजीज ले जाए ले सकते हैं, 4-व्हीलर वागन और 1 डबल कंटेनर, क्लियर। ये बाय ट्रेन और स्टीमर में है। रोड में ₹50 पर किलोमीटर, यदि आप ट्रक में लेना चाहते हो तो ₹50 पर किलोमीटर, ओके। 6-11 पे लेवल, गुड्स ट्रेन में 6000 केजीज आप ले सकते हो, 4-व्हीलर वागन और 1 सिंगल कंटेनर, और रोड में बाय रोड ₹50 पर किलोमीटर। बाय रोड आप लेना चाहते हो ट्रक में तो ₹50 पर किलोमीटर रिमर्स होगा। पे लेवल 5-3000 केजी, जो 6000 केजी है वो नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 12 एंड अबो पे लेवल एंड 6-11, उसमें डिफरेंस क्या है ना, उसमें 1 डबल कंटेनर है 12 एंड अबो, यहाँ पर सिंगल कंटेनर है 6-11, और कोई डिफरेंस नहीं है। पे लेवल 5 में 3000 केजी, जो पे लेवल 5 में जो रिटायर्ड एम्प्लॉय है 3000 केजी वो ले सकता है, और रोड में बाई रोड ₹25 पर किलोमीटर। 4 एंड बिलो पे लेवल 1500 केजी वो ले सकता है ट्रेन और स्टीमर में, और बाय रोड ₹15 पर किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स, इसी तरीके से रिइंबर्समेंट होगा। ये थर्ड बेनिफिट है। फोर्थ बेनिफिट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कन्वेयंस। मैं बोला था 4 प्रकार का बेनिफिट मिलता है, जर्नी के लिए सेल्फ एंड फैमिली, रिटायर्ड एम्प्लॉय एंड फैमिली मेंबर्स दे आर एंटाइटल फॉर जर्नी, ओके, उनका जर्नी के लिए रिइंबर्समेंट होगा। नेक्स्ट वन कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, नेक्स्ट वन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स, फोर्थ पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कन्वेयंस। कन्वेयंस क्या है, सपोज आपके पास कार है कि मोटरसाइकिल है कि स्कूटर है, आप उसको लेना चाहते हो तो उसमें भी रीइंबर्समेंट होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए पे लेवल 6 एंड अबव रीइंबर्स 1 मोटर कार और 1 मोटरसाइकिल और स्कूटर, ये इसके लिए रीइंबर्समेंट होगा। 5 एंड अबव, ये 6 एंड अबो, 5 एंड अबो नहीं है, 5 एंड बिलो, ये 5 एंड बिलो, इट इज़ नॉट 5 एंड अबो, ये गलती से सपोज रॉन्गली जस्ट आई हैव रिटन, इट इज 5 एंड बिलो पे लेवल 5 एंड बिलो 1 मोटरसाइकिल और स्कूटर, यहाँ पर कार का बेनिफिट नहीं है, रिइंबर्समेंट नहीं होगा। 5 एंड अबो सॉरी 5 एंड बिलो पे लेवल 5 एंड बिलो 1 मोटरसाइकिल और स्कूटर के लिए रिइंबर्समेंट होगा। ओनली 6 एंड अबो पे लेवल के लिए 1 मोटर कार और 1 मोटरसाइकिल और स्कूटर, वहाँ पर कार है, हम कार के लिए भी रिइंबर्समेंट कर सकते हैं, ठीक है। रिटायरिंग एम्प्लॉई मे अवेल रिटायरमेंट टीए विद इन 1 ईयर फ्रॉम हिज डेट ऑफ रिटायरमेंट। मैं बोल चुका हूँ, वो जो भी टीए क्लेम करेगा, जो रिटायर्ड एम्प्लॉई है जो रिटायर्ड होने के बाद विद इन 1 ईयर वो टीए क्लेम करेगा, चाहे वो ट्रैवलिंग के लिए फॉर सेल्फ एंड फैमिली मेंबर्स और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स और फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कन्वेयंस, ये सब के लिए वो जब उसका रिटायर होगा विद इन 1 ईयर वो टीए क्लेम करेगा। मैं बता चुका हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जब वो ट्रैवल किया और उसका होम टाउन और एनी सेटल्ड प्लेस में रीच किया, तब से विद इन 60 डेज वो टीए क्लेम करेगा। वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट, उसका सामान ले रहा है, जब सामान पहुँच गया उसका डेस्टिनेशन में तो उससे 60 डेज के अंदर वो टीए क्लेम करेगा। वैसे ही कन्वेयंस, वो कार ले रहा है कि स्कूटर कि मोटरसाइकिल ले रहा है और वो जब रीच कर जाएगा उसका डेस्टिनेशन में, उसी डेट से विद इन 60 डेज वो टीए क्लेम करेगा। तो सबके लिए फॉर जर्नी, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कन्वेयंस, ये जब पहुंच जाएगा डेस्टिनेशन में उससे 60 डेज के अंदर वो टीए क्लेम करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर ये जो भी है बेनिफिट, वो रिटायरमेंट के बाद विद इन 1 ईयर वो उसका ट्रैवल जर्नी कंप्लीट होना है और उसका सामान डेस्टिनेशन में रीच होना है और उसका जो कन्वेयंस है वो भी रीच होना है विद इन रिटायरमेंट के बाद विद इन 1 ईयर। मगर जॉब वो रीच हो जाएगा
ठीक है, जब वो पहुंच जाएगा, उसका सामान पहुंच गया, उसका फैमिली मेंबर्स और सेल्फ वो जर्नी करके पहुंच गए, और उसका जो कन्वेयंस है, कार है कि मोटरसाइकिल है कि स्कूटर है, वो भी डेस्टिनेशन में पहुंच गया, तो उससे 60 डेज के अंदर वो टी क्लेम करेंगे, नहीं तो वो फॉरफिट हो जाएगा। ये यही चीज़ लिखा हूँ। हाउ एवर वंस द जर्नी इज कम्प्लीटेड सेपरेटली बाय द ऑफिसर, इसको डिस्कस कर चुका हूँ, एंड द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स एंड कन्वेयंस, ये सब कुछ आ गया। जर्नी फॉर सेल्फ एंड फैमिली मेंबर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट एंड कन्वेयंस। द रिटायरमेंट क्लेम मस्ट बी सबमिटेड विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ईच जर्नी। फैमिली फैमिली मेंबर्स वो जाकर रीच कर गए, जब रीच डेस्टिनेशन में रीच कर गए, तो वो विद इन 60 डेज जो रिटायर्ड एम्प्लॉय है वो टीए क्लेम करेगा जर्नी के लिए। जब उसका सामान पहुंच गया, जब सामान पहुंच जाएगा, जब पर्सनल इफेक्ट्स जो है, जो सामान पहुंच गया, देन जिस डेट में पहुंचेगा विद इन 60 डेज वो टीए क्लेम करेगा। और उसका जो कन्वेयंस है, जैसे कार है कि मोटरसाइकिल है, वो जब उसका डेस्टिनेशन में पहुंच गया, उससे विद इन 60 डेज वो टीए क्लेम करेगा। क्लियर? इफ द क्लेम इज नॉट सबमिटेड विद इन प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट, दैट इज 60 डेज, द क्लेम मे बी फॉरफिटेड और डीम्ड टू हैव बीन रिलीज्ड। बहुत अच्छे से समझाया, समझ में आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल असित गवर्नमेंट रूल गुरु। तब अब और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट को चलेंगे। द कंसेशन मे बी अवेल्ड ऑफ बाई द गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज एलिजिबल फॉर इट एट एनी टाइम ड्यूरिंग हिज लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट। लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट जो 300 डेज मिलता है जस्ट रिटायरमेंट के पहले, 300 डेज ईएल वो ले सकता है, इसमें लीव ले सकता है 300 डेज ईएल, तो उसमें भी वो ये ट्रैवलिंग अलाउंस बेनिफिट ले सकता है, और विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। आइदर वो दोनों है, यदि वो लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट 300 ईएल वो रिटायरमेंट के पहले लेता है, उस केस में वो ट्रैवलिंग अलाउंस लेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस का 4 प्रकार का बेनिफिट ले सकता है, और रिटायरमेंट होने के बाद विद इन वन ईयर वो टीए क्लेम करेगा। मैं क्लियर कर चुका हूँ। और ये जो डेट एक्सटेंड होगा, पावर टू एक्सटेंड द टाइम लिमिट ऑफ 1 ईयर विल बी एक्सरसाइज्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स विद द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल एडवाइजर कंसर्न्ड इन इंडिविजुअल केसेस अटेंडेंट विद स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ये जो 1 ईयर लिमिट है, जैसे रिटायर्ड होने के बाद विद इन 1 ईयर वो टीए क्लेम करेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस जो 4 प्रकार का बेनिफिट है वो क्लेम करेगा, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, मगर वो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स करेगा आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल एडवाइजर। अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस को देखकर वो उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि एक पर्सन वो सेटल्ड होना चाहता है फॉरेन कंट्री में, अब्रॉड में, सपोज यहाँ पर वो काम कर रहा है मगर अभी वो सेटल्ड होना चाहता है, रिटायरमेंट के बाद वो सेटल्ड होना चाहता है फॉरेन कंट्री में, तो उसको कैसे ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा? तो ये थोड़ा ध्यान से सुनो। इन द केस ऑफ ए पर्सन हुज डोमिसाइल इज एल्सवेयर देन इन इंडिया और हु इंटेंड्स टू रिजाइड परमानेंटली आउटसाइड इंडिया आफ्टर रिटायरमेंट, सो रिटायरमेंट के बाद वो आउटसाइड में परमानेंटली रिजाइड करना चाहता है, तो कैसे उसको मिलेगा? फर्स्ट कंसेशन रेलवे में दिया है, द कंसेशन विल बी एडमिसिबल अप टू द रेलवे स्टेशन नियरेस्ट टू द पोर्ट ऑफ हिज एम्बार्केशन। तो कंसेशन विल बी एडमिसिबल अप टू द रेलवे स्टेशन, जो नियरेस्ट पोर्ट है, जो पोर्ट नियरेस्ट पोर्ट के पास जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन तक उसको कंसेशन मिलेगा। द कंसेशन विल बी एडमिसिबल अप टू द रेलवे स्टेशन नियरेस्ट टू द पोर्ट ऑफ हिज एम्बार्केशन। इन द केस ऑफ ए सच ए पर्सन हु ट्रैवल्स बाय एयर, यदि वो एयर में जाना चाहता है अब्रॉड, तो द कंसेशन ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस बाय रेल और रोड अंडर दीज ऑर्डर्स विल बी एडमिसिबल अप टू द एयरपोर्ट ऑफ एम्पैनलमेंट फॉर हिमसेल्फ। यदि वो एयर में ट्रैवल करना चाहता है, जो उसका जो सेटल्ड प्लेस है अब्रॉड में, तो उसको जो टीए का कंसेशन मिलेगा, तो वो रेल और रोड में अप टू एयरपोर्ट तक मिलेगा, अप टू एयरपोर्ट तक मिलेगा, क्योंकि एयरपोर्ट से वो बाहर चला जाएगा, फॉरेन कंट्री जाएगा, तो अप टू एयरपोर्ट रेल और रोड में उसको ट्रैवल कंसेशन मिलेगा, ठीक है। एंड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, हिमसेल्फ एंड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, एंड अनदर वन पर्सनल इफेक्ट्स के लिए जो सामान है, एंड अप टू द पोर्ट ऑफ डिस्पैच फॉर हिज पर्सनल इफेक्ट्स अप टू द पोर्ट एरियाज, क्योंकि उसका जो सामान है वो सी पर स्टीमर में जाएगा, तो अप टू द पोर्ट एरियाज, अप टू द पोर्ट ऑफ डिस्पैच फॉर हिज पर्सनल इफेक्ट्स। तो इसमें 3 चीज आपको ध्यान देना है।
क्लियर। यदि वो आउटसाइड में परमानेंटली रिजाइड करना चाहता है रिटायर्ड एम्प्लॉई, तो फर्स्ट रेलवे में इट मीन्स एडमिसिबल अप टू द रेलवे स्टेशन नियरेस्ट टू द पोर्ट ऑफ हिज एम्बार्केशन। सपोज वो नियरेस्ट जो उसका जो पोर्ट है, जो इट मीन्स उसके पास जो रेलवे स्टेशन है, अप टू द रेलवे स्टेशन नियरेस्ट टू द पोर्ट ऑफ हिज एम्बार्केशन मीन्स जो जिस पोर्ट से वो सीप और स्टीमर में वो ट्रैवल करेगा फॉरेन कंट्री को, ठीक है। तो उसी तक सपोज वो अभी जा रहा है कि सपोज चेन्नई, तो चेन्नई पोर्ट तक उसका जो रेलवे स्टेशन है चेन्नई का, उस तक उसको ट्रैवल कंसेशन मिलेगा। जैसे मुंबई है तो मुंबई रेलवे स्टेशन तक उसको ट्रैवल कंसेशन मिलेगा क्योंकि नियरेस्ट है, पोर्ट एरिया है। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। एयर में जाएगा तो ओनली कंसेशन मिलेगा रोड और रेल अप टू द एयरपोर्ट, और उसका जो सामान के लिए पर्सनल इफेक्ट्स के लिए अप टू द पोर्ट ऑफ डिस्पैच फॉर हिज पर्सनल इफेक्ट्स, जो अप टू द पोर्ट, जिस पोर्ट से उसका सामान फॉरेन कंट्री को जाएगा अप टू द पोर्ट। सपोज वो कोलकाता से जा रहा है तो कोलकाता तक उसका पर्सनल इफेक्ट्स के लिए रिइंबर्समेंट होगा क्योंकि कोलकाता में जो पोर्ट एरिया है वहां से सीप में हो कि स्टीमर में हो उसका सामान फॉरेन कंट्री जाएगा। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, यदि एक ऑफिसर रीएम्प्लॉयड होता है, रीएम्प्लॉयड का रूल है, रीएम्प्लॉयमेंट का, एक ऑफिसर लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट, जो लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट में बोला था रिटायरमेंट के पहले जो 300 डेज ईएल में छुट्टी लेता है, उसमें वो एक एम्प्लॉय जो रिटायर्ड होने वाला है वो रीएम्प्लॉय हो सकता है कोई गवर्नमेंट सेक्टर में, और क्या है रिटायरमेंट के बाद विद इन 6 मंथ्स वो गवर्नमेंट का परमिशन लेके मींस गेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन अदर गवर्नमेंट सेक्टर्स। तो वेयर एन ऑफिसर इज रीएम्प्लॉयड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हाइल ही इज ऑन लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट, वो लीव प्रिपेरेटोरी टू रिटायरमेंट टाइम में जो 300 डेज ईयर लेता है रिटायरमेंट के पहले, उसी लीव प्रिपेरेटोरी टू रिटायरमेंट के टाइम में वो गवर्नमेंट का परमिशन लेके और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, और विद इन 6 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, रिटायरमेंट होने के बाद विद इन 6 मंथ्स वो गवर्नमेंट का परमिशन लेके कोई रिटायर्ड गवर्नमेंट का और कोई डिपार्टमेंट में वो रीएम्प्लॉय हो सकता है। उस केस में उसको कंसेशन कैसे मिलेगा? Now the concession admissible under these orders may be allowed to be availed of by him within 1 year of the expiry of the period of his re-employment. उसका re-employment expiry है, expiry period होगा re-employment का, suppose 2 years की, 3 years की, 4 years, तो जब वो it means expiry हो रहा है, उसका re-employment expiry हो रहा है, उसी से 1 year के अंदर वो travelling allowance का concession को avail करेगा। क्लियर। तो वो जो रीएम्प्लॉयमेंट अगेन वो और कोई डिपार्टमेंट में उसको काम मिलता है तो कब मिलता है? ना लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट के टाइम में, जो रिटायरमेंट के पहले 300 डेज ईएल में जाते हैं उसको कहा जाता है लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट। उसी केस में वो सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेके और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम वो रीएम्प्लॉय हो सकता है, और रिटायरमेंट के बाद विद इन 6 मंथ्स वो सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेके और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रीएम्प्लॉय हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। तो उसको ट्रैवलिंग अलाउंस कंसेशन कैसे मिलेगा? ना जब उसका एक्सपायरी होगा, जो रीएम्प्लॉयमेंट कंडीशन, जो रीएम्प्लॉय वो हुआ है, जो अगेन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उसको मिला है, जब उसका पीरियड एक्सपायरी होगा उसी से विद इन 1 ईयर, उसी डेट से विद इन 1 ईयर एक्सपायरी पीरियड से आप काउंट कर लो, विद इन 1 ईयर वो टीए कंसेशन का अवेल करेगा, ठीक है। ये रीएम्प्लॉयमेंट के लिए हो गया। A government servant will be eligible to the retirement travelling allowance concession in full, notwithstanding the fact that he had availed of LTC, leave travel concession to hometown or any place in India during 1 year preceding the date of retirement or commencement of leave preparatory to retirement. ये कोई नहीं है, सपोज वो LTC लिया है just retirement के पहले, just within 1 year before the retirement, वो LTC लिया है hometown को कि वो ऑल इंडिया को, ऐसे कोई नहीं, उसको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। ऐसे नहीं कि रिटायरमेंट के पहले विद इन 1 ईयर वो एलटीसी लिया है तो उसको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा, नो नो, ऐसा कुछ ये नहीं है। कि
कि वो लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट में वो ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं लिया, वो 300 डेज ईयर लिया है जस्ट रिटायरमेंट के पहले, ओके उसमें ट्रैवलिंग अलाउंस अवेल कर सकता है मगर वो नहीं लिया, ऐसा नहीं कि उनका ट्रैवलिंग अलाउंस को रोक दिया जाएगा, ऐसा कुछ ये नहीं है, उसको फुल ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। ओके चाहे वो LTC लो जस्ट रिटायरमेंट के पहले, LTC में जाए होम टाउन को और ऑल इंडिया को, कि वो लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट जो ईयर लेकर छुट्टी में गया है रिटायरमेंट के पहले, और वो उसी पीरियड में भी वो ट्रैवलिंग अलाउंस का बेनिफिट ले सकता है मगर नहीं लिया, ओके ये नहीं है कि उनका कोई ट्रैवलिंग अलाउंस को कोई रोकेगा, ओके एज यूजुअल मैनर वो फुल TA उनको मिलेगा रिटायर्ड एम्प्लॉय को। नेक्स्ट, ये जो अप्लाई नहीं होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा रिटायर्ड एम्प्लॉय को ये जो ट्रैवलिंग अलाउंस का कॉन्सेशन है ये बेनिफिट नहीं मिलेगा? नार नॉट इन द होल टाइम एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट और आर एंगेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट, समझ में आ गया होगा, आर पेड फ्रॉम कंटिनजेंसीज, आर रेलवे सर्वेंट्स, आर मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एंड आर एलिजिबल फॉर एनी अदर फॉर्म ऑफ ट्रैवल कंसेशन ऑन रिटायरमेंट। ट्रैवल लास्ट जो है ट्रैवल कंसेशन और कोई आकार में उसको ट्रैवलिंग कंसेशन मिल रहा है, तो ये सब के लिए ट्रैवलिंग अलाउंस का कंसेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट अप्लाई टू पर्सन, समझ में आ गया होगा, कॉन्ट्रैक्ट और टेम्पररी वर्कर्स, पेड फ्रॉम कंटिजेंसीज, रेलवे सर्वेंट्स, मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस और आर एलिजिबल फॉर एनी अदर फॉर्म ऑफ ट्रैवल कंसेशन रिटायरमेंट, उनको ट्रैवलिंग अलाउंस कंसेशन नहीं मिलेगा। एडवांसेस के आकर में जाएंगे, एडवांस भी मिलेगा रिटायर्ड एम्प्लॉय को मगर वो लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट, जो लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट में वो ट्रैवलिंग अलाउंस का बेनिफिट लेना चाहते हैं उस केस में उसको एडवांस मिलेगा, जो रूल के हिसाब से जो एडवांस लेना है एडवांस मिलेगा, मगर रिटायरमेंट के बाद वो ट्रैवलिंग अलाउंस का बेनिफिट लेना चाहते हैं उसको एडवांस नहीं मिलेगा। रिटायरमेंट के पहले ओनली, आप जानते हो कि लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट रिटायरमेंट के पहले उसको 300 डेज ईएल का उसका सर्विस बुक में है जितना ईएल है वो ले सकता है, ऐसा नहीं है मैक्सिमम 300 ईएल के लिए वो जो छुट्टी मिलता है उसको लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट कहा जाता है। सपोज 200 डेज ईएल है आपका खाते में जस्ट बिफोर रिटायरमेंट, तो आप 200 डेज ईयर छुट्टी ले सकते हो बिफोर रिटायरमेंट, तो वही है लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट, तो उस केस में जब छुट्टी में जाते हो तो आप तबको आपको एडवांस मिलेगा, और रिटायरमेंट के बाद जब आप TA क्लेम करते हो उसके लिए एडवांस नहीं मिलेगा। एडवांस विल बी लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ द एम्प्लॉय मे बी एंटाइटल्ड अंडर द रूल्स, द एडवांस विल बी एडजस्टेड ऑन सबमिशन ऑफ TA बिल, नो एडवांस इज एडमिसिबल फॉर जर्नी परफॉर्म आफ्टर रिटायरमेंट। तो आज ही इतना है, प्लीज आई थिंक दैट यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन, आई हैव क्लैरिफाइड एवरीथिंग प्रॉपरली, सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल असित गवर्नमेंट रूल गुरु, थैंक यू।